सो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवांकर और आप देख रहे हैं शिवा हिंदी टेक। और आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं, आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो अगर आपने ये 8 टिप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो यार मैं गारंटी देता हूं विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर अंदर आप एक डिसेंट अमाउंट पे पहुंच जाओगे जो आप मंथली कमाओगे। तो उसके लिए क्या करना, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। और अगर आप ब्लॉगिंग के लिए सीरियस नहीं हो तो ये वीडियो यहीं पर छोड़ दो और यहाँ पर चले जाओ और ये वीडियो मत देखना। अगर आप सीरियस हो तो ये वीडियो आखिरी तक देखना ताकि आपको पता चले यार आपको क्या करना है, कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, कहाँ पर किस चीज़ की कमी है जिस वजह से आप ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर वे में, क्योंकि आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है वो भी मैं बताऊंगा, और क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर रहे हो। तो मैं वो 8 चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है यार एक हर एक ब्लॉगर को यूज़ करनी चाहिए और हर एक ब्लॉगर यूज़ करता है, तो वो कौन कौन सी 8 चीज़ें हैं उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक बात आती है कि आप क्यों लिखना चाहते हो, यानी कि ब्लॉगिंग, आपको पता है यार ब्लॉगिंग में हर एक चीज़ लिखते हैं, और अगर आपको लिखना पसंद है तो ही आप ब्लॉगिंग में अपना करियर बना सकते हो। अगर आपको लिखना पसंद नहीं है ना तो यार आप नहीं बना पाओगे, जैसे करियर बनाया जाता है ब्लॉगिंग में एज अ प्रोफेशनल आप नहीं बना पाओगे। और अगर आप प्रॉपर लिखना जानते हो ना, तो मतलब लिखना क्या है यार, आपको लिखने का शौक होना चाहिए, बाकी तो यार लिखना ऑटोमेटिकली जब आप आर्टिकल्स रीड करने लग जाओगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है। और उस चीज़ से रिलेटेड मैंने यार काफ़ी आर्टिकल्स, काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं, आप वो भी देख सकते हो कि SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स कैसे लिखे, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आपको सिर्फ सर्च करना है SEO शिवा हिंदी टेक, उसमें आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, आप ये भी सर्च कर सकते हो। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लिखना पसंद है। अगर आपको लिखना पसंद है ना तो आपका फर्स्ट स्टेप ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको यार इसमें कोई हरा नहीं सकता। सेकंड चीज़ की बात करते हैं, सेकंड चीज़ आती है यूनिक, आप लोगों को यूनिक क्या देना चाहते हो। मतलब यार लोग आजकल आप देखोगे ना एक ही चीज़ से रिलेटेड आपको 100 वेबसाइट्स मिल जाएंगी। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल देके बात करता हूँ, आपने देखा बहुत सारी वेबसाइट है, आप गए किसी वेबसाइट के अंदर जिसमें विशेष की वेबसाइट, एक विशेष का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हैप्पी बर्थडे विशेष है। अगर आप जाते हो उस वेबसाइट में, उस वेबसाइट पर आप देखते हो सब वेबसाइट में बहुत सिंपल करा हुआ है, सब ने सिर्फ आर्टिकल्स लिखे हुए और बस बाकी कुछ नहीं करा हुआ है। लेकिन आप उसमें थोड़ा सा यूनिकनेस क्या कर सकते हो, आप उसमें आर्टिकल लिखा हुआ है आपने, उसके नीचे कॉपी का, हर एक आर्टिकल नीचे कॉपी का आइकन और एक शेयर का आइकन, जैसे आप ये चीज़ करते हो ना तो थोड़ा सा आपके एक जो वेबसाइट है उसमें इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट होता है। कैसे, अगर किसी को कॉपी करना हो डायरेक्टली वहाँ पे जो कॉपी कर सकते, दूसरी चीज़ अगर उसे किसी को शेयर करना होगा वो बहुत आसानी से शेयर कर सकता है। तो ये थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें ना आपके ब्लॉग को बहुत डिफरेंट चेंजेस दे देती हैं जो एक ऑडियंस के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और तीसरी चीज़ आती है यूनिक नेम, अगर आप यूनिक नेम यूज़ करते हो ना भले ही वो आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं देगा, बट जब आप लॉन्ग टर्म पर जाओगे ना डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये मत सोचिए यार, जैसे सपोज कर लीजिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है आज तक बोलते हैं यार कि न्यूज़ नहीं है उसमें, जबकि बोलते हैं कि अगर आपके जो नीश है उसमें अगर पर्टिकुलर नाम है, जैसे सपोज वो न्यूज़ वेबसाइट है तो उसमें आज तक न्यूज़ होना चाहिए था लेकिन आज तक है, बस वही चीज़ है। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं बट वो चीज़ मैटर नहीं करता, आपकी यूनिकनेस कितना है कंटेंट पे, वेबसाइट पे, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो बात कर इसी चीज़ आती है यार कि आपको कभी भी किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना है। अगर आप कॉपी करते हो ना तो आपके लिए एक बहुत बेकार बात हो जाएगी, और आप पे अगर उसने गलती से कॉपीराइट क्लेम मार दिया तो फिर तो यार आपकी जो वेबसाइट की ग्रोथ है वो इतने जल्दी नीचे गिरेगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। खुद का कंटेंट बनाओ, खुद बनाओ, आज के टाइम पे यार कंटेंट बनाना इतना इजी हो चुका है कि यार आपको बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आप कंटेंट बना सकते हो बहुत सिंपल वे में मॉडिफाई करके। बहुत सारे तरीके होते हैं कंटेंट बनाने के, और अगर आप जेन्युइन वे में बनाओगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। बात कर लेते हैं चौथी चीज़ की, तो चौथी चीज़ आती है यार कि आपको जो नीश है, नीश मतलब कि आप किस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहते हो, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ब्लॉगिंग के अंदर। अगर आपको टॉपिक सेट नहीं है ना तो फिर आपके थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है और हो सकती है। सपोज आपका टॉपिक है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा एरिया है, उसमें आप कुछ भी ले सकते हो। सपोज आपका टेक्नोलॉजी चैनल है और उसमें आप डाल रहे हो मूवीज़ और आप डाल रहे हो उसमें म्यूज़िक, तो अरे ये आपके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो अरे ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उसी से रिलेटेड लिखो, एक एक चीज़ लिखो जो भी आपको अपडेट मिलता है। सपोज आपको कोई सॉफ्टवेयर का अपडेट पता चलता है, सॉफ्टवेयर का अपडेट डाल दो। आपको पता चलता है फ़ोन से कोई अपडेट आ रहा है, फ़ोन का कोई अपडेट आया डाल दो। अगर आप इस टाइप पर डालते रहोगे ना आपकी डेफिनेटली टेक वेबसाइट में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हो ना
थोड़े टाइम बाद आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से इंडेक्स होने लगेगी और आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो यार कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टेक में ही नहीं रहना, तो एक ऐसा डोमेन बाय करो जो यार बिल्कुल डिफरेंट हो, जिसमें पर्टिकुलर ये कीवर्ड ना हो, आपके ऑलमोस्ट कीवर्ड से कुछ कुछ चीज़ें रिलेट करती हो, उस टाइप का डोमेन के लिए आप जा सकते हो। सपोज आप अगर न्यूज़ से रिलेटेड दे रहे हो तो उसमें न्यूज़ को यूज़ कर लोगे तो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाए। तो मतलब अपने नीश को ना छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए अपना जो नीश अलग करा है उसको छोड़ना नहीं। अगर आप उसको छोड़ते रहोगे ना तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, और जब आप अचीव करने वाले होंगे उस टाइम पर अगर आप छोड़ दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने गोल को सेट करना। आपको ब्लॉगिंग में गोल को किस तरीके से सेट करते, काफ़ी लोग बोलते हैं। तो बेसिकली यार ये टारगेट बनाओ कि यार मेरे को एक साल के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट में इतने ट्रैफिक जनरेट करना। तो वो ट्रैफिक से करोगे, ट्रैफिक जनरेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा SEO, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, बैकलिंक पे काम करना पड़ेगा आपको, और सोशल नेटवर्किंग पे काम करना पड़ेगा। इन सभी की वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखी यार, आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, और आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो देखने ना आप यूट्यूब में सर्च करो और उसके आगे लिख दो शिवा हिंदी टेक, आपको उस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो यार मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, आपको ये चीज़ भी करनी है, आपको गोल सेट करने हैं कि मेरे को अगर एक साल में 2 मिलियन ट्रैफिक लेना तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी बनानी है। मेन आता है स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आपने डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बैक लिंक्स बनाने हैं, कुछ ना कुछ आपको सोशल मीडिया में शेयर करना है, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड हर जगह उसे प्रमोट करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपका जो ब्लॉग है वो जल्दी ग्रोथ होगा। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, गोल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको वो सेट है तो फिर आप बहुत जल्दी ग्रोथ हो सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं पेशेंस। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, अब सुबह ब्लॉग बनाया और 2-3 दिन बाद बोलेंगे यार इससे अर्निंग नहीं हो रही, इसमें गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं आ रहा है। मेरे को काफ़ी लोग खुद पर्सनली मेरे को मैसेज भेजते हैं, बोलते हैं कि सर हमने ब्लॉग बना दिया, हमने आर्टिकल भी लिए, 10 आर्टिकल लिख दिए, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो अप्रूव्ड नहीं हो रहा है, गूगल एडसेंस में अप्रूवल नहीं मिल रहा है। भाई क्यों नहीं मिल रहा है, रीज़न ये है क्या, वो एक तो कॉपी कंटेंट करते हैं। 50 बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, कॉपी कंटेंट यूज़ मत करो, जेन्युइन कंटेंट यूज़ करो। अगर उसे यूज़ करोगे तो 10 आर्टिकल में आपका एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, और जिनको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है ना उसके बाद उनकी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यार कोई ये बोलता है हमारी इनकम नहीं हो रही। इनकम कहाँ से होगी जब तक तुम्हारी वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं है, तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है। और ब्लॉगर बनना है ना तो पेशेंस नाम की चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है तब तक आप ब्लॉगिंग से अर्न नहीं कर सकते, अभी क्विट कर दो। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ये सोचो यार कि नेक्स्ट 6 महीने तक मेरे को 1 रुपए से भी मतलब नहीं, पैसे के लिए आ रहे हो तो अभी मत आओ, पैसे के लिए बिल्कुल भी मत आओ ब्लॉगिंग के अंदर। अगर आप इस नॉलेज गेन करना चाह रहे हो तो आओगे तो आप 6 महीने में आप स्टार्ट कर दोगे अच्छी खासी अर्न करना, और बहुत अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हो। अब बात आती है कि यार आप ब्लॉगिंग तो कर रहे हो, मैंने आपको जो पॉइंट्स बताया वो आप फोकस कर रहे हो, लेकिन आप डेली बेसिस पे लर्निंग क्या कर रहे हो। लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ब्लॉगिंग की सीरीज में। अगर आप पूछ रहे हो तो आपको सबसे पहले आप देख सकते हो बहुत सारे ब्लॉगर्स जैसे शॉर्ट मिलआउट, हर्ष अग्रवाल के बारे में आपने सुना होगा, अमित अग्रवाल के बारे में सुना, इनकी वेबसाइट्स चेक करो, इनकी वेबसाइट्स में देखो कि किस टाइप से आर्टिकल लिखते हैं, वहाँ से आपको ना बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए, और बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, नए नए जो आपकी लाइफ आपके जो ब्लॉग है उसमें प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट होंगे तो आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। पर अगर आप अभी से डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ अपना टारगेट बनाओगे ना कि मेरे को ये चीज़ सर्च करनी है, वो चीज़ सर्च करनी है, उसके बाद आप कुछ करोगे उसमें, तब जाके आपको बेनिफिट होना स्टार्ट होगा। अब बात आती है सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, और अगर वो नहीं करोगे ना यार तो आप कुछ भी कर लो बहुत दिक्कत होगी आपको आपके वेबसाइट में ट्रैफिक लाने में। कंसिस्टेंसी चाहे वीडियोस की हो या यूट्यूब की, अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की हो या अगर हो ब्लॉग की, अगर आप प्रॉपर लिख रहे हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि आपकी ऑडियंस आती रहती है जाती रहती है, उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कंसिस्टेंसी अगर आप रखोगे, सपोज आप एक आर्टिकल आज डाल रहे हो, एक आर्टिकल एक महीने बाद डाल रहे हो, आपकी ऑडियंस भी यार जो आ रही है वो भी बोलेगा छोड़ना यार क्या देखना आर्टिकल तो डालेगा नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप आज डाल रहे हो ना और आपने सोचा है कि यार मैंने हर दूसरे दिन में डालना है, तो डेली बेसिस पे ये कंसिस्टेंसी बना के रखिए। आज हर दूसरे दिन में अगर आपने सोचा है तो हर दूसरे दिन में आपको किसी भी हाल में कोई आर्टिकल डालना है जो आपके नीश से रिलेट करता हो। तो ये चीज़ भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, और ये चीज़ बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर आप भूलोगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आपके लिए। तो यार मैंने 8 चीज़ें आपको बताई हैं,
जिनको अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे ना, गारंटेड है कि यार आप ब्लॉगिंग में बहुत आगे लेवल तक जा सकते हो। इवन आप अपना करियर भी सेट कर सकते हो ब्लॉग में, कोई बड़ी बात नहीं है ब्लॉगिंग में करियर सेट करना अगर आप इस तरीके से काम करते हो और ये 8 चीज़ें आप अपने पे फॉलो करते हो। तो जो मेरे को 8 चीज़ें लगी मेन मैंने वो 8 चीज़ें बता दी है, और अगर आप इन 8 चीज़ों को फॉलो करते हो ना तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जा सकते हो और आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ब्लॉगिंग में, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो एक बड़ा थम्स अप दे देना, यानी कि लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। आप लोग आते हो देख के चले आते हो, घंटी दबाते नहीं हो तो यार कैसे मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, कोई और अगर क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो। और बस यार यही था इस वीडियो में, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।